अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा, ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। जारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का, ये आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके, वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए?
अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा।